बावजूद देश में बड़ा खेल होता है और इतने बड़े क्षेत्र का जो चेयरमैन होता है उसको जिस तरीके से चुना जाता है, उसमें पैसों का भी इतना बड़ा गेम होता है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस तरीके के चुनाव को आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, भाग्य लिखने वाले जो लोग हैं वो राजनीतिक लोग ही हो, तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा आप किस नज़रिए से देखते हो, तो मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने आंदोलन और संघर्ष किया, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए हैं। आज हम मेंबर बन के आए हैं तो हम उस सदन में भी बैठेंगे तो हम प्रयास करेंगे। हम ये तो नहीं कहते कि हम पूरा साफ कर देंगे या हम कर सकते हैं या हम कर देंगे। ये वो कहावत है, अकेला चला पहाड़ नहीं घूम सकता। हम पे भी बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे आरोप, हो सकता है आज काउंटिंग हो जाएगी बाद में, उसके बाद हो सकता है हम पे भी कोई आरोप लगा दे, कुछ लगा दे, पता नहीं होता लोगों का अपने स्वार्थों में क्या कहते हैं लोग क्या नहीं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ईमानदारी के साथ में काम हो और ईमानदारी के साथ में चले। हमारे साथ संगठन की और जनता की ताकत हमारे साथ है, तो हम जनता की ताकत के हिसाब से उसको प्रभावित करेंगे। और हम उस हाउस के अंदर बैठ के, अगर हाउस के अंदर हम बैठेंगे तो बाहर जनता उसके लिए संघर्ष करेगी। जनता हमारे साथ है, जनता को हम पर विश्वास है। यह हमें चौधरी दिगंबर सिंह हमारे साथ बात कर रहे हैं और बड़ी बेबाकी के साथ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इन चुनावों में। हालांकि ये सब स्पष्ट तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद होगा, लेकिन उनका बेबाक तरीका ये बताता है कि उनको इन सारे चुनावों की बेहद जानकारी है। किसान के मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ बात की है और किसान यूनियन में उनका दखल किस तरह हुआ, उनके आइडियल राकेश टिकैत को वो कितना सम्मान देते हैं, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ बात की है। वोटर रिजर्व के लिए उनके उनका बेहद शुक्रगुजार है कि इस टाइम में उन्होंने, इस गैंड टाइम में जब चुनाव का रिजल्ट घोषित होने वाला है और पल पल की खबर बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं और वोटर रिजर्व की टीम आपको फिर से चुनाव की पल पल की अपडेट देने के लिए बहुत जल्दी हम लाइव पर आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।